नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं ईरान के टॉपिक पे। ईरान ने क्या बोल दिया कि भैया इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूएस चाह करके भी उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते। किसने बोला भाई साहब? ईरान ने। ये कौन है? ईरानियन एम्बेसडर कौन? इराज इलाही। इन्होंने बोला ना, यूएस कितना भी कर ले लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता है। चलिए इन्होंने क्या बोला उसको भी पढ़ते हैं भाई साहब। चाबहार एग्रीमेंट कैन बी ड्राइवर ऑफ ईरान इंडिया रिलेशंस। अम्बेसडर कौन? इराज इलाही। यूएस अपनी अलग धमकी दे रहा है कि भैया हम सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन यूएस की अमेरिका की बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, वो चाह करके भी इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकता है। चलिए अब हुआ क्या, ईरान और इंडिया ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया कि भैया जो चाबहार पोर्ट है उस पे 10 साल के लिए इंडिया क्या करने वाला है, अपना ऑपरेशन करेगा, अपना ट्रेड वुड करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा वहां से। अब उस पे क्या हो गया, एक न्यूज और खुल करके आई कि डिड यूएस टेक यू टर्न, क्या यूएस ने यू टर्न ले लिया? उसके लिए आपको 2018 में जाना पड़ेगा, 2018 में जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब उसके पहले भी हमने बोलते हैं ना, यूएस ने क्या किया था, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया था किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। उसके बावजूद भी इंडिया ने क्या कर लिया था, क्रूड ऑयल खरीदा था किससे, रशिया से, जिसमें हमें 2 साल के अंदर $13 बिलियन का फायदा हुआ था, क्योंकि हमको जो ऑयल मिला था वो एकदम डिस्काउंटेड रेट पे मिला था। और फनी जोक जानते हो, जब इंडिया ने ट्रेड कर लिया, यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, फिर भी इंडिया ने बिजनेस कर लिया, तो अमेरिका आकर के बोलता है कि हमने ही तो इंडिया को बोला था कि जाओ तुम रशिया के साथ में ट्रेड कर लो, तुम्हारे लिए माफ है, छूट है, तुम कर सकते हो, तुम बहुत महत्वपूर्ण कंट्री हो। अब कैसे बोले कि भाई इंडिया मेरी सुन नहीं रहा है? तो बोलते हैं ना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा रहता है, जब किसी को बोलते हैं ना कुछ, किसी को मार और के आ जाता है, तो आप बोलते हैं ये लड़का आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप बोलते रहे नहीं, हम ही बोले थे उसको मारने के लिए। अब इसको पता चल गया इंडिया तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इंडिया अपना एक सुपर पावर खुद बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2018 में आते हैं। 2018 में यूएस ने क्या किया था, एजेम किया था इंडिया फ्रॉम सर्टेन सैंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के लिए बोलते हैं ना, यूएस ने क्या कर लिया था, एजेम के लिए, भाई तुम्हारे लिए माफ है, तुम थोड़ा बहुत काम इसलिए कर सकते हो। अब उसमें इन्होंने बताया था क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, उन्होंने बोला था कि भैया तुम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ चाबहार पोर्ट कर सकते हो, एंड आल्सो एसोसिएटेड रेलवे लिंक टू अफगानिस्तान, मतलब दोनों पे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। इन्होंने अलाउ किया 10%, इंडिया ने पूरा कर दिया 90, बन गया कितना 100, अब लग रही है इनको मिर्ची। इन्होंने ये भी बोला था भैया क्या नहीं करना है, चलो उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला था भैया कि तुम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करोगे ईरानियन क्रूड ऑयल, तो नहीं कर रहे हैं, हम तो रशिया से खरीदे हैं। अब आपके सामने ये सवाल आ गया कि सर अमेरिका चाह करके भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगा सकता? अमेरिका चाहता है चाइना को दबाना, ये चाहता है इसको पूरा बोलते हैं ना, पूरा दबा करके रखूं ताकि ये ज्यादा उड़े नहीं। अब उसके लिए क्या चाहिए भैया, कोई तो चाहिए ना इसके आजू बाजू वाला। अब चाइना रशिया से भिड़ेगा नहीं, इनके अच्छे रिलेशन है, चाइना कभी जापान को धमकाता है तो कभी साउथ कोरिया को, ताइवान को तो बोलते रहता आगे फोड़ू क्या, तुम फोड़ू क्या, फोड़ू क्या, दो दो मिनट पर डरता रहता है। फिलीपींस को अलग से परेशान करते रहता है, साउथ चाइना पूरा मेरा, इधर आना मत मछली मारने के लिए। ये लोग जाते हैं ना तो पूरा बोलते हैं अपना कोस्ट गार्ड का सिप्ले करके आता, पानी मार के भगा देता है मछुआरे को। फिलीपींस अलग परेशान है, वियतनाम अलग परेशान है इनसे, भूटान परेशान है, नेपाल परेशान है, बांग्लादेश में भी उंगली करते हैं, नेपाल में उंगली करते हैं, श्रीलंका में भी उंगली करते रहते हैं, मालदीव को भगाते रहते हैं। अभी आप ही देखो कि इंडिया मालदीव को क्यों झेल रहा है, इंडिया मालदीव को क्यों झेल रहा है। अभी अभी आपको बताया मैंने इसके पहले वीडियो में, मैंने बताया था कि $50 मिलियन तक क्या किया था इंडिया ने दिया है किसको, मालदीव को, उनका बजट नहीं बन पा रहा था। तो इंडिया क्यों मालदीव को झेल रहा है, कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं ध्यान देंगे तो ये चाइना आगे इधर बैठ जाएगा, ये चचा आगे यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब वही रीजन है किसके साथ में, अमेरिका के साथ। पाकिस्तान तो बेटा ही है चाइना का, तो पाकिस्तान तो कुछ करेगा ही नहीं। अब अमेरिका को अच्छी तरह से पता है कि चाइना के पछवाड़े पे बांबू और मुंह पे अगर लात कोई मार सकता है तो कौन कर सकता है, सिर्फ इंडिया कर सकता है। इंडिया के अलावा और कोई बोलते हैं ना आस पड़ोसी उड़ीसी नहीं, इससे भिड़ेंगे नहीं,
इसीलिए ये परेशान है कि अगर इंडिया से रिलेशनशिप खराब हो गया तो भाई साहब फिर चाइना को काउंटर अटैक कर पाना, काउंटर कर पाना मुश्किल हो पाएगा। तो यही रीजन है चचा जी का कि जिसकी वजह से ये ज्यादा कुछ एक्शन इंडिया के खिलाफ नहीं ले पा रहे हैं। ये तो हमारा मानना है, आपका क्या मानना है, आपकी इस पर क्या राय है कि क्या रीजन है कि जो बोलते हैं ना अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना धड़ाकेदार मजेदार और दिल को छू देने वाली खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।